ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ सेकंड जो कि इस समय 95 वर्ष की है और स्वस्थ भी है, लेकिन उनका निधन होने से पहले उनका अंतिम संस्कार किस तरह से किया जाएगा, उन तैयारियों की एक खुफिया रिपोर्ट लीक हो चुकी है। शुक्रवार को ब्रिटेन में लीक हुई इस रिपोर्ट में, जिसे ऑपरेशन लंदन ब्रिज नाम दिया गया है, उस रिपोर्ट में उन सभी तैयारियों का जिक्र किया गया है जो ठीक महारानी एलिजाबेथ सेकंड के निधन के बाद की जाएंगी, जिसके बाद से ही ब्रिटेन सरकार की दुनिया भर में फजीहत हो रही है। दरअसल शुक्रवार को वेबसाइट पर कुछ रिपोर्ट्स लीक हुई जिसमें महारानी एलिजाबेथ के निधन के बाद कुछ घंटों और बड़े स्तर पर होने वाले कुछ दिनों के कार्यक्रम की तैयारियों के बारे में बताया गया। योजना के मुताबिक महारानी के निधन के बाद 10 मिनट के भीतर व्हाइट हॉल के झंडे आधे झुका दिए जाएंगे। प्रिंस चार्ल्स टीवी पर जनता को संबोधित करेंगे और इसके बाद ब्रिटेन के दौरे पर निकल जाएंगे। अंतिम संस्कार का कार्यक्रम 10 दिन चलेगा। महारानी को प्रिंस फिलिप के बगल में दफनाया जाएगा। इन सब बातों का जिक्र प्लान ऑपरेशन लंदन ब्रिज में किया गया है। इसके साथ ही महारानी के निधन के कुछ महीनों बाद उनके उत्तराधिकारी प्रिंस चार्ल्स की ताजपोशी की गोपनीय योजना के बारे में भी जानकारी लीक हुई है। प्लान के मुताबिक महारानी के ताबूत को संसद में 3 दिनों तक रखा जाएगा। शाही परिवार के बाद प्रधानमंत्री पहले शख्स होंगे जिन्हें इस बात की जानकारी दी जाएगी। महारानी के निधन के बाद उन्हें गन सैल्यूट दिया जाएगा। शाही परिवार मीडिया के जरिए आधिकारिक सूचना देगा कि महारानी का अंतिम संस्कार वेस्टमिंस्टर एबे में होगा। प्लान के लीक होने के बाद से ही शाही परिवार और सरकार के बीच हड़कंप मच गया है, जिसके बाद सरकार इस बात की जांच बिठाने वाली है कि ये रिपोर्ट कैसे और किसने लीक की। आपको बता दें कि रिपोर्ट के अनुसार इस प्लान को 1960 में बनाना शुरू किया था। कोरोना महामारी के बाद इस प्लान में थोड़े से बदलाव किए गए। इस रिपोर्ट के लीक होने के बाद कई सवाल खड़े होते हैं। पहला, ये क्या ये प्लान एलिजाबेथ सेकंड की रजामंदी से बनाया गया था? क्या उन्हें इस प्लान के बारे में पता था? अगर ये प्लान बनाया गया है तो इन रिपोर्ट्स के मुताबिक ही क्या महारानी एलिजाबेथ सेकंड का फ्यूनल किया जाएगा?